तेंदुलापांडे थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी रोंडा झोंडा स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के अंदर से दिन दहाड़े पैसा जमा करने गई महिला से बदमाश 60,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। 60,000 रुपए की नकदी बैंक के अंदर लूट जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रेम सिंह के मुताबिक उनकी भाभी बैंक में पैसा जमा कराने गई थी, उसी दौरान बैंक के अंदर से उनकी भाभी से 60,000 रुपए की लूट हो गई। आरोपी की पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस भी आधा घंटा देरी से पहुंची, जबकि पुलिस चौकी बैंक से 50 कदमों की दूरी पर स्थित है। रसूलपुर नगली गांव निवासी अखिलेश पत्नी के मुताबिक रोंडा झोंडा चौराहे पर बनी शाखा लाला टीकर यूपी ग्रामीण बैंक में 60,000 रुपए जमा करने के लिए गई थी। बैंक के अंदर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर अज्ञात व्यक्ति ने नकदी जमा करने के लिए कहा और नकदी छीन ली। तब तक महिला कुछ समझ पाती, तब तक बदमाश बैंक के अंदर से रफू चक्कर हो चुका था। हालांकि पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत की है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, क्या मामला हुआ जो आज बैंक के अंदर पैसों को लेकर? बैंक में 60,000 रुपए की लूट हुई है। किस टाइम हुई है लूट? 11 बजे। कहाँ के व्यक्ति इनकी लूट हुई है? रसूलपुर नंगली की। क्या नाम है उनका? अखिलेश। कौन है आपके अखिलेश? भाई की पत्नी है। अच्छा, कौन सी बैंक है ये? प्रथमा बैंक, लाला टीकर, रोंडा चौराया। चौकी कौन सी लगती है इसकी? रोंडा चौकी। जो कैमरे हैं उसकी आपने फोटोज खंगाली या देखी? कैमरे बंद थे। कैमरे कब से बंद हैं? एक महीने से बंद है कैमरे। पुलिस पहुंची मौके पे? मौके पे आधे घंटे बाद पहुंची। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना मुंडा पांडे। अब आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए और पैसे मिल जाने चाहिए। आपको लगता है कि कैमरे बंद हैं चोर पकड़ा जाएगा? नहीं, पता नहीं है।